जिला अस्पताल में बनी डिस्पेंसरी की हालत खस्ता, कभी भी हो सकता है बड़ा हादसा। बरेली के जिला अस्पताल में बनी डिस्पेंसरी की हालत काफ़ी ख़राब हो गई है। दिन में हुई बारिश के बाद डिस्पेंसरी के अंदर लिंटर चटकने लगा है और कभी भी हादसा हो सकता है। डिस्पेंसरी में अचानक से उस वक्त लिंटर का कुछ हिस्सा चटक कर नीचे गिर गया और वहाँ दवाई ले रहे लोगों के ऊपर जा गिरा, जिससे उन्हें मामूली चोटें आई हैं जिनका उपचार कर उन्हें भेज दिया गया। डिस्पेंसरी रूम में लगभग 10 से 12 लोग काम करते हैं, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि ऐसी बिल्डिंग में काम कर रहे लोगों की जान भी जोखिम में डाली जा रही है। वहीं हजारों की संख्या में यहाँ दवाई लेने लोग आते हैं। सीएमएस से बात की गई तो बताया गया कि जल्द ही निर्माण कार्य कराया जाएगा। फुट की दीवार है, मैं छज्जे गिरी तो एक मरीज आ गया। अच्छा, छज्जा नहीं गिरा पूरा, छज्जा मैं दीवार गिरेगा वो तो। हाँ, सड़क दुर्घटना में महिला की मौत। बरेली में टहलने के लिए घर से निकली एक महिला को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, उसकी जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। भमोरा थाने के गांव आलमपुर जाफराबाद निवासी राजेश कुमार की पत्नी मुन्नी देवी की आज सुबह घर के पास हुई सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। जिला अस्पताल में मौजूद मृतका के घर वालों ने बताया कि मुन्नी देवी आज सुबह रोजाना की तरह टहलने के लिए घर से निकली थी, लेकिन कुछ दूर चलने के बाद अज्ञात वाहन ने उसे टक्कर मार दी और फरार हो गया। वह गंभीर रूप से घायल हो गई। जंगल में जा रहे लोगों ने उसे घायल अवस्था में देखा और घर वालों को सूचना दी, जो मौके पर पहुंचे और उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। मृतका 3 बच्चों की माँ थी। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। नाम आपका? हमारा नरेंद्र। कहाँ रहते हैं आप? हम करेली रहते हैं। करेली, थाना कौन सा लगा? थाना सुभाष नगर। सुभाष नगर। ये मृतका कौन है आपकी? जे हमारी भौजाई है, जे आलमपुर जाफराबाद रहती है। अच्छा, क्या हुआ, कैसे मौत हुई इनकी? जे सुबह मतलब ये शॉपिंग के टाइम निकली ले घूमने के टाइम। कब? आज सुबह करीब 4 बजे। तभी कोई वाहन आया और टक्कर मार दी। कहाँ की बात है? आलमपुर जाफराबाद। आलमपुर जाफराबाद। गाड़ी का कोई पता नहीं लगा? गाड़ी का पता। तो मौके पर ही मौत हो गई थी? हाँ, मौके पे मौत हो गई। शराब के आदि सफाई कर्मचारी की संदिग्ध मौत। बरेली में शराब के आदि एक सफाई कर्मचारी की कल शाम को जिला अस्पताल लाते समय मौत हो गई। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। कैंट थाना क्षेत्र में वीरांगना चौक के पास रहने वाले श्याम बाबू की कल शाम जिला अस्पताल लाते समय रास्ते में ही मौत हो गई। जिला अस्पताल में मौजूद मृतक की पत्नी रुचि ने बताया कि उसका पति कैंट बोर्ड में चतुर्थ श्रेणी सफाई कर्मचारी है और वह खुद भी एक प्राइवेट स्कूल में काम करती है। उसका पति शराब पीने का आदी है और 2 दिनों से शराब के नशे में उसके साथ झगड़ा कर रहा है, लेकिन शाम को अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई। तब वह उसे इलाज के लिए जिला अस्पताल लाई, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो चुकी थी और अस्पताल पहुंचते ही डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जाँच शुरू कर दी है। मृतक 3 बच्चों का पिता था। क्या नाम है? अच्छा, उनके आपका क्या नाम है? रितु। कैसे खत्म हो गए आपके पति? मेरे पति, मैं ड्यूटी गई हुई थी, ड्यूटी से आई तो देखा तो उनके मुंह से झाग आ रहे थे, पड़े हुए थे। फिर कहाँ ले गए? उसके बाद मैं अस्पताल लेके गई, पुलिस वाले भी आ गए थे वहाँ पे। मैं अस्पताल लेके गई, अस्पताल से फिर उन्होंने बोला डिस्ट्रिक्ट ले जाओ, फिर मैं यहाँ ले आई, डिस्ट्रिक्ट में ले आई। मेरे आदमी को कोई पता नहीं है, मेरे आदमी को छोड़ दो। अच्छा, मुझे कुछ नहीं पता। तो क्या बताया डॉक्टर ने, अभी खत्म हो गया? अच्छा, आप क्या करती हैं? मैं स्कूल में नौकरी करती हूँ, प्राइवेट करती हूँ काम। अच्छा, आपके पति क्या करते थे? कैंटोनमेंट बोर्ड में नौकर थे, सरकारी। किस पद पर थे? सफाई कर्मचारी।